नमस्कार। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईस पर जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। एमएसएमईस को भारतीय इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है। हमने इस सीरीज के दौरान इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मिलकर कई प्रमुख क्षेत्रों का जायजा लिया, चुनौतियों को समझने और ग्रोथ के नए मौके तलाशने के लिए। अब हम फोकस करेंगे कुछ प्रमुख राज्यों पर। आज बारी है हरियाणा की। राज्य में एमएसएमईज ऑटो कंपोनेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। राज्य में किस तरह स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट किया जा रहा है, एमएसएमईज के सामने इस दौर में किस प्रकार के नए अवसर हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे की राह कैसी रहने की संभावना है, सभी पहलुओं पर हम मंथन करेंगे। आई एम हैप्पी टू वेलकम श्री दुष्यंत चौटाला जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए सर। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में हम आगे चलते हुए हरियाणा के मेजर एमएसएमई सेंटर से इंडस्ट्री लीडर्स के सुझावों को भी शामिल करेंगे। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर पार्टनर्स फॉर द सीरीज। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर अमेज़न, को पावर्ड बाय फार्म इजी एंड इंटेल। क्रिप्टो एक्सचेंज पार्टनर बिट बीएनएस। डोमेन पार्टनर गोडैडी। ड्राइविंग पार्टनर स्कोडा। लैपटॉप पार्टनर डेल। लॉजिस्टिक्स पार्टनर डीएचएल। स्पेशल पार्टनर टिमोलॉजी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दुष्यंत जी, हम आपसे बातचीत के दौरान एमएसएमई से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं। जिस तरह से ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन रहा है, खासकर के हरियाणा के खिलाड़ियों का, आपका राज्य स्पोर्ट्स को काफी बढ़ावा देता है और खेलों को लेकर हरियाणा की एक अलग ही पहचान भी है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे लिए तो गौरव की बात है कि पिछले 20 वर्षों के अंदर निरंतर हरियाणा ने एक अपनी पहचान स्पोर्टिंग एरिना में बनाई है, और इस बार भी जैसे 50% युवाओं की हिस्सेदारी रही हरियाणा प्रदेश से मेडल टैली के अंदर, ये अपने आप में दर्शाता है कि जो पॉलिसीज ओवर द ईयर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, आज उसका फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से ही जैसे हमने स्पोर्ट्स को आगे ले जाने का काम किया है, इंडस्ट्री को ओवर द डेकेज आगे ले जाने का काम किया है, देश के अंदर हरियाणा इसी तरह प्रगति पर आने वाले समय में भी चलता रहे। ये दौर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। कोविड का असर जिंदगी के साथ साथ कारोबार दोनों पर देखा गया है, और इसमें अगर किसी सेगमेंट पर सबसे ज्यादा दबाव रहा है तो वो है एमएसएमई सर। आप सर फिलहाल हरियाणा में एमएसएमईज, खासकर जो माइक्रो यूनिट्स हैं, उनकी वर्किंग को लेकर किस तरह से असेसमेंट करते हैं, किस तरह का आपको फीडबैक मिल रहा है? आज के दिन प्रमुख एम्प्लॉयमेंट जो है वो एमएसएमई सेक्टर से आ रही है, और हमारे प्रदेश में हमारा फोकस भी है। आज के दिन लगभग 10 लाख के आसपास, 9.78 लाख तो हमारे पास रजिस्टर्ड एमएसएमई है, और अभी तो सर्वे चल रहा है, पता नहीं कितनी ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो कभी रजिस्टर ना हुई हो। और पैंडेमिक के अंदर भी हमने हमारा हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम बनाया था हम पोर्टल, और उसके अंदर भी हमें खुशी होती है साझा करते हुए कि आज के दिन लगभग 3.25 लाख के आसपास इंडस्ट्री ने अपने आप को रजिस्टर किया है, अपने एम्प्लॉयज की डिटेल डालने का काम किया है। और हमारा फोकस यही है कि तमाम जितने बेनिफिट्स हैं इनको हम एंड यूजर तक पहुंचाने का काम करें। एक डाटा आपके साथ शेयर करता हूं, आप तो एमएसएमई की कवरेज करते हैं, कि आज पूरे देश भर में लगभग 641 एमएसएमई के लिए स्टेट और सेंटर्स की अलग अलग पॉलिसी है। आज के दिन 641 पॉलिसीज का बेनिफिट कितनों को मिलता है, ये बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। तो अब हमने एक एमओयू रिसेंटली साइन अप किया है, और उसके अंदर ये जिम्मेवारी लगाई है एक कंपनी की कि आप उन 640 को एनालाइज करके और एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी स्टेट बनाए जिसके अंदर एक कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट हो, और जो जिस सेक्टर का है उस एमएसएमई में उसको उसका प्रिसाइज बेनिफिट मिले।
तो हम अगले 2 महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर भी काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में एक नई पहल हम लेकर आ रहे हैं। हमने एक कदम उठाया था आज से 2.5 साल पहले कि 1 district 1 product, और पीएम ने पिछले बजट के अंदर पूरे देश में उसको लागू किया कि हर जिले में एक प्रोडक्ट का एमएसएमई क्लस्टर बनाया जाए। वी आर टेकिंग अ स्टेप फर्दर। हरियाणा में 22 जिले हैं मगर 140 ब्लॉक्स हैं। अब हम अगला कदम उठा रहे हैं कि 1 product 1 block, और एक पद्मा नाम की स्कीम को हम जल्द लॉन्च करेंगे जिसके अंदर हर ब्लॉक पर कॉन्सेंट्रेटेड एक प्रोडक्ट की और विजन के ऊपर काम करेगा, और वहाँ एक प्रॉपर 1-stop center बनाया जाएगा जो एमएसएमई को पैकेजिंग की हो, मार्केटिंग की हो, इनिशियल फंड प्रोवाइडिंग की, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो, इस तरह के तमाम चीजों को एक सेंटर से हम सपोर्ट करवा पाए। और हमारा विजन यही है कि एक काउंसलिंग सेंटर के साथ साथ बेसिक सपोर्ट फैसिलिटी वहां बनाई जाए, और एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हर ब्लॉक में 25 से 30 एकड़ का मिनिमम टारगेटेड एक एमएसएमई क्लस्टर हम डेवलप करें कि 50-50, 100-100 गांव के लोग एक फोकस प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की जहां तक बात है, इसमें आप ब्लॉक को इंडस्ट्रियल विजन के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपके यहां पर कुल मिलाकर करीब 137 ब्लॉक्स के आसपास हैं, तो इन ब्लॉक्स में फिर जो उत्पाद है, उत्पादों का जो चयन होना है, उसका काम क्या चल रहा है वहां पर, किस तरह के उत्पादों पर जोर रहेगा अलग अलग? बिल्कुल, उसके ऊपर ऑलरेडी काम कंप्लीट हो चुका है। अब तो सिर्फ फाइनल अप्रूवल्स की ओर जानी है, क्योंकि फाइनेंशियल कितना उसके अंदर असिस्टेंस हमने देनी है वो फाइनलाइजेशन की ओर है। और जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव के अंदर आज दिल्ली को देखते हुए हमारा विजन है कि हम एटलीस्ट आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर फोकस करें। उसी तरह अगर मैं बात करूं रोहतक के अंदर, वहां पर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एक फोकस्ड एरिया है। अगर मैं बात करूं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का उचाणा के अंदर, वहां आज डेयरी प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट की बात है। इसी तरीके से पानीपत की हम बात करें तो हैंडलूम का हब है, उसके आसपास कपड़े के रिलेटेड प्रोडक्शन की, डाइंग की, इन चीजों के ऊपर बात है। तो इस तरह से हर ब्लॉक को हमने ग्राउंड ट्रूथिंग कराकर स्टडी किया है, और उसके बाद यही डाटा को कंपाइल कर एक एक ब्लॉक को एक एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेवात की बात करूँ तो मेवात को लोग पिछड़ा हुआ मानते, मगर आज के दिन में ऑटोमोटिव रिपेयर्स का एक हब मेवात है, जहां पर ट्रक के रिपेयर, बसेस के रिपेयर के ऊपर बहुत फोकस्ड काम हो रहा है। तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन जिस एरिया में आज हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको बस सेंट्रलाइज सपोर्ट देने का सिस्टम हम क्रिएट करेंगे, जिससे एकदम उस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। साथ में पिछले दिनों हमारा फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू हुआ है, इसी तरीके से वॉलमार्ट के साथ एमओयू हुआ है। तो हमारे जो एमएसएमई क्लस्टर के अंदर लोग आएंगे, उनको फिर इन बड़े चैनल पार्टनर्स के साथ जोड़कर उनका केवल मात्र इंडिया की मार्केट ही नहीं, हम एक्सपोर्ट तक भी फोकस्ड काम करेंगे कि उनकी प्रोडक्ट को एंड यूजर तक, चाहे वो विदेशों में बैठे हो, इन बड़े चैनल पार्टनर्स के माध्यम से हम भिजवा पाए। अब क्योंकि पिछले दिनों लिक्विडिटी, कैश फ्लो को लेकर कारोबारियों के सामने दिक्कत रही, उसमें डिलेड पेमेंट्स को लेकर वो काफी चिंतित रहे हैं। हालांकि एमएसएमई एक्ट कहता है कि 45 दिन के अंदर पेमेंट्स हो जानी चाहिए, लेकिन ग्राउंड पर कई तरह की वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स से भी पेमेंट में देरी कई बार होती है। तो इसको लेकर किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कारोबारियों की मदद के लिए? सर सौरभ जी, ऑलरेडी हमारा फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक स्पेसिफाइड ऑफिसर वहाँ हमने बैठा रखा है, जो इस तरह की 45 डेज के बाद की पेमेंट्स के को भी थ्रस्ट के साथ करवाए। बिल्कुल, कोविड ने एक ऐसा दौर दिखाया है जहाँ प्रत्येक सेक्टर ने अपने फाइनेंशियल्स को कंसाइल किया, डिले किया आगे सपोर्ट को, और वो एमएसएमई को हिट किया है। मगर हमारे डीआईसी पूरी मेहनत के साथ इस पे कार्यरत है, और मुझे लगता है कि हमने लगभग 80% के आसपास जो हमारे पास इस तरह की एप्लीकेशंस आई थी उनको रिजॉल्व कराया है। जो 20% है उनके ऊपर जो आगे एक्शन लेना है उसके ऊपर धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में कार्रवाई से पहले हम उनके फाइनेंस को उन तक पहुंचा पाएंगे, जिससे उनका फंक्शनिंग स्मूथ रहे। और फैसिलिटेशन सेंटर में अगर किसी को दिक्कत आती है तो इट बी माय रिस्पांसिबिलिटी, उसको भी मैं स्वयं देखता हूं, एक्सपेडाइट कराने का काम करूं।
कई बार कंप्लेंट डिलेड पेमेंट्स को लेकर सामने नहीं आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे एक विभाग के साथ रिलेशन खराब होंगे या हमें रिपीट ऑर्डर मिलने में दिक्कत हो सकती है। आपने सर जैसे फैसिलिटेशन काउंसिल का जिक्र किया है, क्या फैसिलिटेशन काउंसिल को और अधिकार या और पावर्स मिलनी चाहिए ताकि अगर उनका कोई जजमेंट है, कोई फैसला है, तो वो एक टाइम बाउंड तरीके से लागू हो सके। कई बार डिपार्टमेंट्स हम देखते हैं उसके अगेंस्ट अपील करते हैं अगर कोई फैसला एमएसएमई के हक में आता है। जी, हमने एक स्पेसिफिक स्पेशल डायरेक्टरेट बनाई है विच इज लुकिंग इनटू ऑल दीज रिलेटेड मैनर्स, और बिल्कुल धीरे धीरे पावर दी जाएगी। कई बार इमेंस पावर देकर आप एक ऐसा इंफ्रा खड़ा कर देते हैं जिसको फिर बाद में लोगों के इंटरेस्ट देखी जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमने जब डायरेक्टरेट बनाई थी तो इसी विजन के साथ बनाई थी कि ये जो डिलेज हैं ये डिलेज ना आए, लोगों की पेमेंट टाइमली मिले। मगर उस दौरान किसी ने ये नहीं सोचा था कि दो वेव इतनी बड़ी कोविड की आ जाएगी जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर ही बंद हो जाएगा। और फर्स्ट वेव के अंदर तो हमने हरियाणा इकलौता प्रदेश था जिसने सबसे पहले इंडस्ट्री को खोलने का काम किया था। वी गेव अ लिबर्टी टू स्टार्ट फंक्शनिंग ऑफ ऑल इंडस्ट्री। आज के दिन सेकेंड वेव के अंदर बात करें तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसको ताला लगाना पड़ा, तमाम इंडस्ट्री चलती रही। और आने वाले समय में बिल्कुल डायरेक्टरेट विल हैव अ फोकस्ड, डॉक्टर विकास गुप्ता हमने डायरेक्टर लगा रखे, ही वर्क्स 24/7 ऑन टू दिस। और उनकी वर्किंग से आज के दिन अगर मैं बात करूं तो प्रदेश के एमएसएमई के अंदर जरूर एक उत्साह है, पीपल वांट टू कम इन एंड इन्वेस्ट इन द स्टेट। सेकेंड वेव में फिर भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को अलाउ किया गया था, अब कुछ थर्ड वेव को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं, उसकी बात हो रही है, उसको लेकर कैसी तैयारियां की जा रही हैं? पूरी तौर पर इक्विप्ड है प्रदेश के अंदर। हमने बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स अलग डेजिग्नेट करे हैं, नंबर ऑफ बेड्स बनाए हैं, मगर प्रिकॉशन इज द बेस्ट क्योर। और आज के दिन अगर हम बात करें तो प्रिकॉशन अगर हम निरंतर लेते रहेंगे तो आने वाले समय में कितना ही बड़ा चैलेंज सामने आए वी विल ओवरकम इट। और थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क टुडे, बट द स्टेट इज प्रिपेयर्ड एंड आई रेस्ट अश्योर यू इंडस्ट्री को बंद नहीं होना पड़ेगा। आज के दिन हम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे कि लोग थर्ड वेव की ओर ना जा पाए, प्रिकॉशन के साथ साथ अपने आप बचाव रखना है। राज्य में जिस तरह से बात हो रही है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हब बनाने पर जोर दिया जा रहा है, इस बारे में आप एमएसएमईज को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फार्मा हब की बात केंद्र सरकार के 2 साल पुराने बजट में थी, 3 फार्मा हब आज के दिन देश में बनाए जाएंगे। हरियाणा वॉज द फर्स्ट बिल्डर इन टू दैट। अभी केंद्र ने उसकी अनाउंसमेंट नहीं करी मगर जो हमारा हिसार एविएशन हब है उसके साथ हमने जरूर आईएमसी डीमार्केट किया है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हम बनाएंगे। और वहीं हमने 1,000 acres अगर हमें फार्मा हब मिलता है तो उसके लिए एलोकेट करी है। ड्रग पार्क के लिए भी हमने पानीपत में और हिसार में 2 लैंड ईयरमार्क करी है जहां बल्क ड्रग पार्क भी हम बनाने का काम करेंगे। और हमारा विजन यही है कि आज के दिन इंडस्ट्री को हम जितना बेहतरीन तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे इंडस्ट्री उतनी खुश रहेगी और उतने ही प्रदेश के अंदर रेवेन्यू सोर्स को बढ़ाने का काम। इस तरह से फार्मा हब की बात है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पॉलिसी के बारे में भी आप कुछ चेक करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, हमारी ई व्हीकल पॉलिसी जो है इट्स ऑन द फाइनल स्टेज और जल्द उसको हम इशू करने का काम करेंगे। और उसका विजन यही है कि प्रदेश के अंदर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़े लेवल पर है, पर उस ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग को आने वाले भविष्य की अगर बात करें तो आपको याद होगा जब आपने नया नया मोबाइल पकड़ा था तो शायद 1100 6600 नोकिया के ये नंबर चलते थे, पर आज के दिन सारे स्मार्टफोन हम देखते हैं, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आज टच स्क्रीन फोन पर चलता है जो आज 4G 5G टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। तो जो एकदम ट्रांजिशन हुआ कि 5 साल में नोकिया से लोग सैमसंग पे एप्पल पे और अब तो हजारों कंपनियां आ चुकी स्मार्टफोन्स के अंदर शिफ्ट हुए और नोकिया कहाँ रहेगी? आने वाले समय में गैसोलीन बेस्ड कार इंडस्ट्री शायद इतनी ज्यादा सर्वाइवल की ओर ना रहे, एकदम ट्रांजिशन होगा ई व्हीकल्स के ऊपर, हाइड्रोजन व्हीकल्स के ऊपर, गैस व्हीकल्स के ऊपर। उसके लिए हम जरूर कदम उठाएंगे कि अगर हमारी इंडस्ट्री शिफ्ट करती है तो उसको कैसे एमएसएमई के बेनिफिट्स दिए जाए, कैसे उसको फाइनेंशियल हम सीड फंड दे पाए कि वो टाइमली कन्वर्जन की ओर भी जाए और उसको अपना बिजनेस ना बंद करना पड़े बल्कि एक बिजनेस से अपॉर्चुनिटी ढूंढकर दूसरा बिजनेस पैरेलली खड़ा करें।
आपसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आपके राय जानना चाहेंगे। जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, लास्ट रैंकिंग के अनुसार राज्य 16th पोजीशन पर था, उससे पहले तीसरी पायदान पर भी रहा है। उसको लेकर कई तरह के आपने स्टेप्स लिए हैं इसे एड्रेस करने के लिए और फ्रेंडली एनवायरनमेंट पॉलिसीज बनाने के लिए, तो आप क्या देख रहे हैं रैंकिंग में आगे सुधार की उम्मीद कर रहे हैं आप आगे चलते हुए सर? सौरभ जी बिल्कुल, लास्ट ईयर जो रैंकिंग आई एकदम शॉकिंग हमारे लिए भी थी कि हाउ डिड वी डिप सो लो, मगर बाद में जब पता चला तो बिकॉज ऑफ कोविड देयर वर ओनली टेलीफोन कॉल्स दैट वर मेड, और हमने उनको रीचेक किया, रिवाइज किया, किसी ने टेलीफोन नहीं उठाया तो उसको जीरो लिख दिया गया। दैट वाज द रीजन कि स्टेट की रैंकिंग इतनी गिरी है, मगर लेट्स वेट फॉर द न्यू रैंकिंग्स टू कम इन एंड आई डेफिनेटली अश्योर यू कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हरियाणा देश के टॉप 3 राज्यों के अंदर है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हरियाणा कैसे अपना नंबर भी बढ़ाएगा और कैसे इंडस्ट्री को जो उत्साह है हरियाणा की तरफ आने का उसको दर्शाने का भी काम। सर जहां तक हरियाणा में यूथ्स की बात है, उनके जॉब क्रिएशन के लिए आपने जिस तरह से 75% जॉब रिजर्वेशन लेकर आए हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, इसको लेकर कुछ कंसर्न्स रहे हैं, हम चाहेंगे आपका व्यूज पर जानना। सर आपको क्या ये लगता है कि किसी भी कंपनी में अगर हायरिंग है तो मतलब इंडस्ट्री का मानना है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कैंडिडेट्स के डोमिसाइल की जगह उसके मेरिट उसके टैलेंट के आधार पर करें तो ज्यादा अच्छा है, क्या इस इशू को किसी और तरीके से भी एड्रेस किया जा सकता था या आप कैसे समझाएंगे इसके पीछे की सोच? सौरभ जी 75% लोकल कैंडिडेट्स के ऊपर एक्ट लाने का उद्देश्य यही है कि जो हमारा स्किल्ड युवा है उसको टाइमली रोजगार मिले। मैं आपके साथ एक साझा कर देता हूँ कि हमारे दो ऐसी घटनाएं हुई थी 2008-09 के अंदर मारुति में होंडा में, जिसके बाद धीरे धीरे NCR की इंडस्ट्री ने ग्लास सीलिंग कर दी कि हरियाणा के कैंडिडेट को नहीं लेना, चाहे क्वालिफाइड बच्चा था उसको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलनी बंद होगी। हमने तो इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप हमसे स्किल्ड युवा लीजिए, अगर कोई एक ऐसी स्पेसिफिक फील्ड है जहाँ स्किल्ड युवा नहीं है और आपको लगता है कि उसके अंदर आपको उस स्किल सेट के लिए दूसरी जगह से कोई युवा लेकर आना है तो वो आप एक सर्टन पैरामीटर हमने उस एक्ट में डिफाइन करे हैं, चाहे उसका पे स्केल हो चाहे उसकी टेक्निकलिटी हो, वो उसको एग्जेम्पशन मिलती रहेगी। मगर आज के दिन पानी पिलाने का काम करना, ड्राइवर का काम करना, सिक्योरिटी गार्ड का काम करना, आज के दिन फिटर का, वेल्डर का, ये जो बेसिक काम है ये तो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी इतने आज वेल इक्विप्ड है कि हमारे बच्चे दूसरे प्रदेशों में नौकरी करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल साझा करता हूँ, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर आज से 7 साल पहले मैंने 18,000 की तनख्वाह पे एक JEE लगवाया, जूनियर इंजीनियर, उसने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी थी, आज वो उसी कंपनी के अंदर 42,000 की नौकरी कर रहा है। इसका मतलब कैपेबिलिटी थी, मगर उस लड़के को 3 साल हरियाणा के अंदर किसी भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी नहीं मिली ये देखते हुए कि वो हरियाणा का। और आने वाले समय में हमें भी हमारे जो युवा है, शिक्षित युवा है, इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ बने हुए हैं, उनको भी तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देने का रास्ता बनाना है। और उसी लिए आफ्टर हैविंग मल्टीपल डिस्कशन विद मल्टीपल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पीपल, वी टुक दिस डिसीजन, और मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज का कॉस्ट बचेगा, अकोमोडेशन ऑफ एम्प्लॉयज का कॉस्ट बचेगा, उसके साथ साथ आप ये देखिए कि ऑन साइट आपको एम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़ी मात्रा में मिल जाएगी। और उसका रिजल्ट भी आया है, हमारे पास ATL जैसी एक बड़ी कंपनी 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ आज मेवात में आई है, उसी तरीके से अभी फ्लिपकार्ट ने लगभग 500 करोड़ के अंदर गुड़गांव में एशिया का अपना सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाने का फैसला लिया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये अगर 75% का किसी को डर होता या उनको लगता कि उनके टेक्निकल जॉब या स्किल स्पेसिफिक जॉब्स को अगर हिंडर करती तो वो क्यों इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हरियाणा में। सर इसके जरिए जिस तरह से जो मंथली 50,000 तक की सैलरी वालों को कवर करने की बात की, क्या उस सीमा को कम करने पर भी विचार हो रहा है? सर चर्चा हुई है, एक फाइनल डिस्कशन हमने उसके ऊपर करनी है, जैसे फाइनल डिस्कशन होगी हम उस रूल को इशू कर और इसको लागू करेंगे प्रदेश। ओके सर, आपको ये लगता है इसके कारण इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन प्लान पर असर तो नहीं पड़ेगा? आपको ये रेस्ट अश्योर करता हूँ कि जिस दिन 75% लागू होगा
वी विल हैव बिग इन्वेस्टमेंट कमिंग इन टू द स्टेट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि स्टेट अपना खुद का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी आगे बढ़ाने का काम करेगी. वी आर गोइंग टू इक्विप आवर टेक्निकल इंस्टीट्यूट टू वर्क फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्री टू गिव देम स्किल्ड लेबर एंड चीपर लेबर. हम हरियाणा के कुछ प्रमुख सेंटर्स से जो सुझाव हैं वो आपके सामने रखना चाहेंगे. सबसे पहले हम रुख करते हैं फरीदाबाद का, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजीव चावला जी, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया. सर, एक मुद्दा है जो बहुत बरसों से पेंडिंग है. हरियाणा में 1,00,000 से ज्यादा MSMEs हैं जो कि नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों में बसी हुई हैं. वक्त के आधार से HSIDC और हुडा उन्हें प्लॉट्स उपलब्ध नहीं करा पाता, और इसी तरह से बहुत से युवाओं ने, बहुत से उद्यमियों ने नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज में अपने बिजनेसेस को प्रारंभ किया. ऐसे उद्यमियों के साथ परेशानी ये होती है कि उन्हें बैंक लोन्स नहीं मिल पाते, वो कंप्लायंसेस पूरी नहीं कर पाते, वो फैक्ट्री एक्ट और पोल्यूशन एक्ट में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते. इसकी वजह से उनकी ग्रोथ बहुत सफर करती है, और हरियाणा सरकार के भी जो इंसेंटिव हैं ऐसे उद्योग जो नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज में हैं उन्हें मिल नहीं पाते, और लाखों MSMEs और उनमें काम करने वाले लाखों कर्मचारी अपनी ग्रोथ से वंचित रह जाते हैं. आपने एक घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार एक सर्वेक्षण करेगी, और जिस क्षेत्र में 70% से अधिक एरिया में MSMEs होंगे उन्हें इंडस्ट्रियल एरियाज डिक्लेयर किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा, ताकि वो रेगुलराइज हो सकें. मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है और सुझाव भी है कि यदि हरियाणा जल्दी ही नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज को नोटिफाई करता है एज इंडस्ट्रियल एरियाज जहां MSMEs बसे हैं, तो हमारे लाखों MSMEs ग्रो कर सकेंगे बहुत तेजी से, और लाखों नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी सामने आएंगी. बहुत बहुत शुक्रिया सर. तो वो रिक्वेस्ट करें सर, आपने जैसे कहा था कि 70% जहां इंडस्ट्रीज होंगी वहां इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर होगा, रेगुलराइज किया जाएगा, उसको लेकर सर्वे हुआ है. तो सर, जो MSMEs नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में है उनके रेगुलराइजेशन पर आप क्या इनको कहना चाहेंगे सर? सौरभ जी, हमने फरीदाबाद, यमुनानगर, रोहतक एंड करनाल, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सर्वे इनिशियल तौर पर करवाया था. फरीदाबाद की रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुकी है. लगभग 14,000 MSME या इंडस्ट्री वहां पर आज के दिन हमने ईयर मार्क करी है. अब उसमें कौन से जोन के अंदर वो इंडस्ट्री है और किस हिसाब से वो इंडस्ट्री अपना कार्य करती आई है उसके ऊपर फाइनल कंसल्टेशन चल रही है 3 डिपार्टमेंट्स की, अर्बन लोकल बॉडीज की, क्योंकि अर्बन एरिया पे लोड बेयरिंग कैपेसिटी अगर है नहीं है, कैसे लोड बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए. उसके साथ साथ आज के दिन हमारा जो HSIDC है, कॉरपोरेशन है इंडस्ट्री की, और साथ में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की. जैसे ही उन तीनों की कंसल्टेशन कंप्लीट हो जाएगी, वी आर गोइंग टू कम आउट विद अ जॉइंट प्लान फॉर फरीदाबाद फर्स्ट. यमुनानगर का सर्वे कंप्लीट हो चुका है, उसकी कंसल्टेशन की रिपोर्ट अभी जानी है. उसके साथ साथ जो और दो शहर है उसके ऊपर अभी कार्य चल रहा है सर्वे का, क्योंकि वी कुड नॉट डू 22 डिस्ट्रिक्ट्स इन वन गो, क्योंकि कोविड बीच में आया हुआ था, तो हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स को लिया था. बट आई रेस्ट अश्योर यू कि बचे हुए 18 डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम तुरंत लेने का काम करेंगे, और सर्वे कराकर कंप्लीट कर तमाम जो इंडस्ट्रीज की ऐसी छोटी प्रॉब्लम है जहां अभी आपने बताया रेगुलराइजेशन की बात है, बिल्कुल जो उनके ड्यूज बनते हैं वो भर के अपने इंडस्ट्री को रेगुलराइज टाइम टू टाइम करवा लें. सर, अब हम रुख करते हैं सोनीपत का, जहां से राय इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राकेश छाबड़ा जी ने अपना एक सवाल भेजा है. सब कुछ अच्छा होते हुए भी थोड़ी सी हमें दिक्कत आ रही है. जो हमारे किसान भाई जो GT रोड पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, या तो उससे जो हमारी कम्यूटिंग है उसमें जरूर समस्याएं आ रही हैं. सोनीपत से किसी ने दिल्ली जाना हो, या दिल्ली से आगे जाना हो, या इंडस्ट्री वालों ने दिल्ली से सोनीपत आना जाना हो, इसके लिए आवागमन में बहुत सामान के आवागमन में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं. हालांकि 7-8 रोड्स हमने खोली हुई हैं जो गाँव में से होकर निकलती हैं, पर इनमें से सिर्फ एक आध रोड ऐसी है जो कि 2 लेन है, बाकी तो सारी सिंगल लेन ही रोड्स हैं, और उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है. जितने भी लोग उन पे ट्रैवल कर रहे हैं, रोज 3-4 घंटे का वक्त लगता है आने जाने में. तो सर, जैसे इन्होंने कहा है कि रोजाना 3-4 घंटे लग रहे हैं कम्यूट करने में दिल्ली सोनीपत कनेक्टिविटी को लेकर, आप इनको क्या कहेंगे सर?
सौरभ जी, हरियाणा की तरफ से रास्ता बंद नहीं है। आज के दिन जो ब्लॉकेज है वो दिल्ली के अंदर है, और स्वयं हमने भी कई बार रिक्वेस्ट करी है फार्मर से कि आप एक लेन खोल दीजिए जिससे इंडस्ट्री की कम्युनिकेशन जल्दी हो जाए, और उसके साथ साथ दो अल्टरनेटिव वेज भी हमने ढूंढे हैं जो दिल्ली को कम्यूट के लिए है। उन दोनों के ऊपर एक जो आप बता रहे हैं जहाँ लोग जाते हैं वहाँ स्पेशल रिपेयर्स का ऑर्डर दे दिया गया है, एक नरेला टू सोनीपत हमारा एक नया रोड हमने ईयरमार्क किया जिसकी कंस्ट्रक्शन हम जल्द शुरू करेंगे, जिससे कोई इस आंदोलन के टाइम ही नहीं आने वाले भविष्य में भी दिल्ली की और हमारे इंडस्ट्रियल हब्स की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग ऑन कनेक्टिंग करनाल बाईपास चौक जो मुकरबा चौक है उसको और पानीपत को विद एक्सप्रेस वे जो कि 12 लेन का है, और उसके ऊपर भी काम चल रहा है। इट हैज बीन डिलेड बिकॉज ऑफ कोविड एंड द फार्मर एजिटेशन, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 6 से 8 महीने में जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी जो ट्रैवल है दैट विल बिकम फास्टर और इंडस्ट्री को उसका बहुत लाभ मिलेगा। अगले सुझाव की तरफ हम करनाल चलेंगे सर। करनाल से हरियाणा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं अमित गुप्ता जी। मेरा एक इशू में रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चौटाला साहब के को बताना चाहूँगा कि इन रिगार्ड्स टू रिलीफ ऑफ ₹2 पर किलोवाट टैरिफ सब्सिडी टू अलाउड बाय डिस्कॉम फॉर एमएसएमई लोकेटेड इन सी एंड डी कैटेगरी ब्लॉक्स हैविंग लोड अप टू 40 एंड 30 किलोवाट रिस्पेक्टिवली विच शुड बी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन रियाइडर एप्लीकेशन टू ऑल एमएसएमई इन द स्टेट। ये मेरा एक क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा आदरणीय डिप्टी सीएम से कि इसको मेरे क्वेश्चन को संज्ञान में लेके और ये जो आपने रिबेट दिया है वो सभी को मिलना चाहिए। सर, ये जो पार्ट टैरिफ सब्सिडी की बात भी रख रहे हैं एमएसएमई के लिए जो सी डी कैटेगरी में है, आपकी क्या राय होगी सर? देखिए, हमारी जो HEEP है हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ऑफ 2021 वो इसी पे फोकस्ड है कि हम अपने अर्बनाइज्ड एरिया से जो हमारे फ्यूचर के अर्बनाइजेशन के एरियाज है वहाँ लोगों को मूव करें, और इसीलिए वो सब्सिडी जो है वो सी और डी ब्लॉक में बिना शर्त के दी। ए और बी ब्लॉक के अंदर क्योंकि ऑलरेडी आज लोड बेरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, आज के दिन हमें मोटिवेट करना है कि लोग इस तरह के ब्लॉक्स में जाए। और रिसेंटली 200 करोड़ रुपए का जो फोटो फिल्म का प्रोजेक्ट है, एल्युमिनियम फॉइल्स का प्रोजेक्ट है, ये सालावास ब्लॉक जो रिवाड़ी में पड़ता है वहां पर आई है 2 कंपनीज, एक 250 करोड़ इन्वेस्टमेंट लेकर आई है, एक 274 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेकर आई है, और ऐसी इंडस्ट्री इसीलिए आ रही है कि आज उनको बेनिफिट्स दिखते हैं। और मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ कि शहद के ऊपर ही मक्खियां मंडराती है, तो अगर हम बात करें तो हमें भी कहीं ना कहीं शहद को प्लांट करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री वहां शिफ्ट होने लगे अपने बेनिफिट को देखते हुए। और आज 2 रुपए का बेनिफिट पावर सब्सिडी में बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है आज के दिन जो बिजली के रेट्स हैं उनको देखते हुए। और हमें भी यही अपेक्षा है कि हमारे 140 के 140 ब्लॉक्स इक्वली डेवलप हो आने वाले फ्यूचर के अंदर। ये ना हो कि गुड़गांव मानेसर से बाहर, फरीदाबाद सोनीपत से बाहर इंडस्ट्री जाना ही ना चाहे। हम तो चाहते हैं कि हरियाणा के प्रत्येक एरिया के अंदर इंडस्ट्री जाए, इंडस्ट्री भी खुशहाल हो और उस एरिया के जो डेवलपमेंट है वो भी पैरेलली चलती। अब मानेसर से राजेश गुप्ता हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं मानेसर इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के। मेरा माननीय डिप्टी सीएम साहब से निवेदन है कि हरियाणा सरकार ने एक स्कीम विवादों का समाधान इंडस्ट्री की HSRDC के ड्यूज को लेकर एक स्कीम निकाली थी जिससे इंडस्ट्री को काफी राहत मिली। उस स्कीम में लैंड एनहांसमेंट ड्यूज और अदर ड्यूज को लेके सरकार की तरफ से बहुत सारी रियायतें इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट के वेवर्स के रूप में दी गई। मेरा सुझाव ये है, सरकार से निवेदन है कि कोरोना की कंडीशन को देखते हुए कोविड के अंदर इंडस्ट्री जो तकरीबन 1.5 साल से बंद पड़ी है उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए विवादों का समाधान स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए उसको कृपया करके वैट के पुराने मुद्दों को, लेबर के पुराने मुद्दों को निपटाने के लिए ESIPF एंड वाटर और सीवर वगैरह की समस्याओं को लेकर पॉल्यूशन को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए और इलेक्ट्रिसिटी के DHBVN इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए और विवादों का समाधान स्कीम का दायरा बढ़ा दिया जाए। उससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्री की पुरानी समस्याएं जिनसे लिटिगेशन चल रही हैं डिपार्टमेंट के साथ, वो चाहे अनचाहे वजहों से चल रही हैं,
उनका निदान होगा और इंडस्ट्री के लोग एक नई एनर्जी के साथ अपने लिटिगेशन से अपना ध्यान हटाकर ट्रेड को बढ़ाने में ध्यान दे सकेंगे। सरकार को कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को ये राहत देनी चाहिए। जैसा आपने HSRDC में एनहांसमेंट के ड्यूज को लेकर लैंड एनहांसमेंट और पुराने ड्यूज को लेकर HSRDC स्कीम दी, इसका समय सीमा बढ़ा दी जाए, क्योंकि ये जब स्कीम लॉन्च की गई ऑलरेडी ये स्कीम 15 जून के आसपास आई जबकि लॉकडाउन चल रहा था। तो मेरे आपसे ये निवेदन है पूरी इंडस्ट्री की तरफ से, हरियाणा की सभी इंडस्ट्री से अफेक्टेड है क्योंकि HSRDC आपका प्रमुख इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, उनके सभी व्यापारियों की तरफ से आपसे निवेदन है कि इसकी स्कीम को 31 दिसंबर तक कम से कम बढ़ा दिया जाए ताकि जो व्यापारी भाई लोन के इंतजाम नहीं कर पाए रीपे करने के लिए, वो अपना लोन अरेंज करके या पैसे अरेंज करके HSRDC के ड्यूज पे कर सके। विवादों का समाधान स्कीम को एक्सटेंड किया जाए 31 दिसंबर 2021 तक और इसका दायरा बढ़ा जाए, दूसरे विभागों को लाया जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सौरभ जी, विवादों का समाधान एक बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही है। लगभग 700 करोड़ के आसपास लोगों ने अपने पुराने ड्यूज को भरकर अपने पुरानी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है और ये तो सिर्फ HSRDC के अंदर है। इसी तरीके से जो हमारा HSVP है, जो हरियाणा शहरी विद्युत परिक्रम है, उसके अंदर भी लोगों ने इसका लाभ उठाया है। वैट के अंदर हम स्कीम के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें वन टाइम सेटलमेंट की एक स्कीम 2014 में लाई गई थी जब कम लोगों ने लाभ उसका लिया था, मगर आज उनके ड्यूज बढ़ चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि पुराना, क्योंकि वैट रिजीम बंद हो चुका है, अब GST रिजीम आ चुका है, तो उन लोगों के लिए भी लेकर आए और प्रत्येक डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दे दी गई है कि वो भी अपने इस तरह के वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को बनाकर गवर्नमेंट के अप्रूवल ले ले, जिनका टाइम टू टाइम बेनिफिट लोगों को मिले। और जहां तक बात है कि स्कीम को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक हमारे पास आपके माध्यम से ही पहली रिक्वेस्ट आई है, जितनी रिक्वेस्ट आई थी वो थी कि इस महीने की 31 तक ही इसको बढ़ाया जाए और हमने उसको बढ़ाने का काम किया था। अगर इन फ्यूचर लोग और ईगर है, लोग अपने पुराने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो स्टेट विल बी मोर देन हैप्पी टू लुक इनटू। फिस्मी के सेक्रेटरी जनरल हैं अनिल भारद्वाज, उनकी तरफ से एक सुझाव है, वो शामिल करना चाहेंगे। ये भी एक इशू है कि जो छोटे उद्योग हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको कई दिक्कतों का सामना हरियाणा में करना पड़ता है, खासतौर पर जो जूनियर ऑफिसर्स हैं या जो जिनसे उनका ऑफिसर से डे टू डे वास्ता रहता है। तो उसमें हमारा सजेशन ये है कि हर गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी MSMEs का एक इंटरेक्शन रहता है, चाहे वो टैक्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो, फायर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, यानी कि सभी इकोनॉमिक या इंडस्ट्री रिलेटेड जितने भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सीनियर ऑफिसर्स एक निश्चित समय कर दें, कम से कम 2 घंटे का या 1 घंटे का, जिसमें लाइक 4 से 5 या 4 से 6, जिसमें जन सुनवाई जैसी चीज हो, यानी कि वो MSME के लिए हमेशा ओपन होगा और आप बिना अपॉइंटमेंट के सीनियर ऑफिसर से मिल सकते हैं और अपनी समस्या उनके सामने रख सकते हैं, वो समस्या रिकॉर्ड होगी और उसका एक निस्तारण होगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। सर, जो इनका सुझाव है जन सुनवाई की, जो बात इंडस्ट्री की शिकायतों के निपटारे के लिए है, उस पर आपके व्यू सर? सौरभ जी, ने पिछले साल रेवेन्यू में ये काम शुरू किया था कि जितने रेवेन्यू के अधिकारी हैं वो छोटी से बड़ी समस्याओं के लिए कई बार दफ्तर में एक साथ नहीं बैठते, तो हमने हर महीने का पहला मंगलवार तय किया था और इट इज बीन सक्सेसफुल, जहाँ डिप्टी कमिश्नर से लेकर नीचे पटवारी तक तमाम एक ऑफिस में बैठते हैं कि छोटे से मोटी समस्या आम नागरिक की रिजॉल्व करी जाए। ये जो सुझाव आपने दिया है अनिल जी का, इसके ऊपर जरूर हम काम करेंगे कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, HSRDC के अधिकारी हो और साथ में हमारे लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हफ्ते में या महीने में एक दिन एक सेंट्रलाइज जगह पर बैठे जहाँ ये जो छोटी छोटी समस्या है इसको रिजॉल्व किया जाए। और मैं इसके लिए तुरंत आदेश दूंगा कि इसके ऊपर तीनों डिपार्टमेंट जॉइंटली एक डे मुकरर कराकर महीने में एक बार जरूर इस पे विचार। फाइनली आपसे हम चाहेंगे आपकी तरफ से एक एडवाइस, एक संदेश राज्य के MSMEs के लिए आने वाले दिनों के लिए, आगे की राह
वो किस तरह की उम्मीद करें सर, आपका लास्ट वर्ड सर। मैं तो तमाम एमएसएमई एस्पिरेंट्स को भी और आज के दिन एमएसएमई चलाने वाले लोगों को भी इतना ही बोलना चाहूंगा कि हरियाणा एक प्रोग्रेसिव प्रदेश है। हमारा विजन रहा है कि प्रदेश की उन्नति के साथ साथ आप लोगों की उन्नति हो, और यही कारण रहा है कि हरियाणा हैज बीन होम टू मेनी स्टार्टअप्स। और जितना आज हम मल्टीनेशनल कंपनीज देखते हैं, जितनी आज हम बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज इंडिया बेस्ड देखते हैं, उन सब के हेडक्वार्टर भी इसलिए आज के दिन हरियाणा में बने हुए हैं। और मैं तो ये विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जिस विजन के साथ चलती आई है, आने वाले समय में भी इससे ज्यादा आप लोगों को फ्लरिश करने में हम काम करेंगे, क्योंकि आप फ्लरिश होंगे तभी प्रदेश फ्लरिश होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। श्री दुष्यंत चौटाला जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करने के लिए। शुक्रिया सर। चलते चलते आई वुड वंस अगेन लाइक टू थैंक आवर पार्टनर्स फॉर दिस सीरीज। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर अमेज़न, को पावर्ड बाय फार्म इजी एंड इंटेल। Crypto exchange partner Bit BNS, domain partner GoDaddy, driving partner Skoda, laptop partner Dell, logistics partner DHL, special partner Timology. Thanks to all of you. अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।